की टेंशन हो रही है, ये बात मैं बहुत भली भांति समझ पा रहा हूँ, पर देखिएगा, सबसे पहली बात, प्रेशराइज मत होइएगा, चिंता मत करिएगा। एक्चुअली ये बात कहना खैर आसान है, मैं मात समझ रहा हूँ कि आप किस कदर या किस सिचुएशन से फ़िलहाल जूझ रहे होंगे। एक तो बड़ा मुश्किल से एग्ज़ाम इन्होंने लिया, एग्ज़ाम भी इन्होंने बहुत ही टाइम के ऊपर 6-7 दिन 10 दिन पहले ही हमें बताया। फिर ये बात बड़ी असमंजस में थी कि एडमिट कार्ड एकदम मौके पे आए, एडमिट कार्ड आए तो कुछ ऐसे आए कि फ़ोटो उनमें नहीं आए ढंग से, जो है ना उसके अंदर बेसिकली कुछ देखने को नहीं मिल रहा कि फ़ोटो है कि नहीं है, एड्रेस है कि नहीं है। चलिए जैसे तैसे करके एडमिट कार्ड मिले, हम तैयार हुए पेपर देने के लिए। अब ये स्टे का केस, अब ये समझ नहीं आ रहा कि कोई वकील सच है या क्या सच है क्या झूठ है। ऑफिशियली कोई भी बात कर नहीं रहा है। जो सीएम के रेजिडेंशियल हाउस है वहाँ पे भी कई बार फ़ोन लगा लिया गया है, फिर भी कोई अता पता नहीं है किसी बात का। वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, जैसा से पूछो वो फ़ोन ही नहीं उठाते, कितने मर्जी फ़ोन कर लो उनको। तो मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा परेशानी वाला समय है, थोड़ा 2-4-5 घंटे वेट कर लीजिएगा, इसकी असमंजस फाइनल हो जाएगी। डर इस बात का है कि कहीं ये खाली रूमर्स ना हो, ठीक है, और रूमर्स हुआ तो बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से आपको ट्रैवल करके आना होगा। पर फिर भी 1-2 घंटे तो और बार वेट कर लीजिएगा कि सही है गलत है, ठीक है ना। और थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, चिंता ना करिएगा, कुछ रिजल्ट आएगा। थोड़ा अपने आप में यूँ कहिएगा, मतलब कामनेस लेने की कोशिश करिएगा। माना थोड़ा मुश्किल है, सिचुएशन थोड़ी अजीब है, लेकिन मैं थोड़ा आपको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी अपडेट मुझे मिली मैं आप लोगों को श्योर अपडेट कर दूंगा, अपने टेलीग्राम स्टार IQ पे या यूट्यूब पे, छोटा सा क्लिप बना के, ठीक है।